टारगेट विद आलोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी हिंदी साहित्य के शिक्षार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं पंडित अमरेश भट्ट आज आपके सामने हिंदी साहित्य इतिहास के तीसरे भाग को लेकर के उपस्थित हुआ। आज हम यह जो तीसरा पार्ट हमारा बन रहा है, यानी तीसरा जो भाग बन रहा है, इस भाग में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर को लिए हैं। उनका नाम होता है मिश्र बंधु होता है। इसके पहले मैंने आपसे जो बातें किया हैं, जो इसके पहले मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है, आशा ये है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और आप उसका लाभ उठा रहे होंगे। इसी उद्देश्य से, हालांकि मैं इस सेशन को लाइव सेशन लेकर के आने वाला हूं, लेकिन किसी कारणवश कुछ ऐसी बातें हैं कि जिसके कारण हम अभी लाइव नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं बहुत ही जल्दी लाइव आपके सामने प्रस्तुत होने वाला हूं। यानी हमारा जो क्लास चलेगा वो लाइव क्लास ही चलेगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहें, हम लाइव क्लास में आपसे जुड़ेंगे। लेकिन अभी जब तक मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूँ, तब तक आप इसका एंजॉय लीजिए, तब तक आप इसका आनंद लीजिए। तो हम आज की वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट बनाने वाले हैं। इसके पहले कि हमारी लंबी वीडियो हो जाती थी और उसमें जो है हमारे बहुत से ऐसे छात्र इसमें एडमिशन लिए हुए हैं जो ऑलरेडी मुझसे पहले से पढ़ चुके हैं, ऑफलाइन की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, तो उनको ये लगा कि थोड़ा सा सर वीडियो लंबी हो रही है और आप अगर लाइव क्लास लेंगे तो थोड़ा सा छोटा वीडियो बना दीजिए तो हम लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा, ताकि लाइव क्लास हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको भी लगा कि बात तो सही है, तो आज मैं थोड़ा सा अन्य वीडियो की अपेक्षा छोटा सा वीडियो बनाऊँगा। यानी केवल मिश्र बंधु विनोद के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, यानी मिश्र बंधुओं के बारे में आपको बताऊंगा। तो जितना भी है उसका एंजॉय लीजिए और मस्ती से देखिए। हिंदी को हिंदी की तरह ही पढ़िए, यानी कोई बहुत बोझिल करके हिंदी साहित्य, कभी कभी ऐसा होता है कि आप हिंदी साहित्य पढ़ने बैठते हैं तो लगता है कि मैं कितना बड़ा आदमी हो गया हूं, कितना गंभीर हो गया हूं, एकदम बिना पलक को अपलक किए हुए हम इसको पढ़ें। ऐसा मत करिए, आप एकदम शांत चित्त होकर के हंसते मुस्कुराते हुए आप इस साहित्यिक विचारधारा को पढ़िए, आपको बखूबी समझ में आएगा और बातें भी आपको याद रहेंगी। तो आज का जो हमारा रिदम है, जो क्रम है, वह किस पर हम आते हैं? मिश्र बंधु पर आते हैं, ठीक है। यानी हम आज मिश्र बंधु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मिश्र बंधु का नाम आते ही आपसे साहित्य की जो कहिए एक प्रकार से हिंदी साहित्य में वह काम इन्होंने कर दिया जो अभी तक किसी ने नहीं किया। मिश्र बंधुओं ने बहुत ही, इनके कविताओं को पार यह अलग अलग करना, ठीक है, इनके कविताओं को पार्थक्य करना ये बड़ा ही दुरूह और बड़ा ही कठिन कार्य है। चूंकि ये बंधु हैं, मिश्र हैं, आपको पता ही है बंधु है मतलब भाई है। पहली चीज तो ये जानिए, इन मिश्र बंधु ये कहाँ के रहने वाले थे? तो आपको पता होना चाहिए इनके पूर्वज जो है ये हरदोई के रहने वाले थे, ठीक है। बातें आप एक एक समझते हुए चलिए। ये हरदोई के रहने वाले हैं। हरदोई आप लोग जानते हैं कि जिला है और ये उत्तर प्रदेश में ही है, आप लोग जानते हैं इसको। लेकिन इनके जो पिताजी हैं वह वहाँ से चले आए, हरदोई से छोड़ करके चले आए, और कहाँ चले आए? लखनऊ चले आए, ठीक है, लखनऊ चले आए। और लखनऊ में कहाँ पे? इटौजा चले आए, ये एक स्थान है, इटौजा चले आए। कुछ लोग इसको इटौजा भी बोलते हैं, यानी इटौजा भी ये चले आए। बाल्यकाल इनका यहीं पे इटौजा रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द ही बीतता रहा, जैसे पहले ही चलते थे लखनऊ के बगल में इन्होंने वे थे।
तो अच्छा खासा इनका मनोरंजन भी होता था। लेकिन चूंकि इन भाइयों में बहुत ज्यादा गैपिंग नहीं थी, ये कितने भाई थे, मिश्र बंधु जो है तीन भाई थे, ठीक है। और ये तीन भाई जो थे, यह यानी इसको कहिए सहोदर कहिए, अगर कभी आपको भाई देवे ऐसा पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर पूछ ही लेते हैं तो आप कहेंगे अब हम क्या करें, ये कहां से लिखा है। अगर कभी लिखा जाता है मिश्र सहोदर, मिश्र सहोदर लिखा जाता है, तो आप यूं मत समझिएगा कि ये कोई अलग हैं। सहोदर मतलब सह उदर, यानी एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को सहोदर कहते हैं। तो अगर कभी मिश्र सहोदर आ जाए तो कोई हो सकता है एग्जामिनर ऐसा आपको केवल आईक्यू चेक करने के लिए आप जान पाते हैं कि नहीं ऐसा दे सकता है, ठीक है। तो ये जो है मिश्र बंधु या मिश्र सहोदर, ये तीनों भाई बड़े होते हैं, पलते हैं। अच्छा, बचपन से ही चूंकि इनका काव्य में मन क्या है, रमा हुआ है, यानी काव्य के प्रति यह लगनशील हैं। कविताओं को पढ़ना, कविताओं के बारे में सोचना, यानी इन लोगों की दिनचर्या बन गई थी। बात यहाँ पर हमारे जो सुधी पाठक हैं और जो हमारे विद्व शिक्षक हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा कि इन तीनों भाई के क्रम को लेकर के हमेशा विवाद किए हुए हैं। इन तीन भाई का नाम क्या होता है पहले, यानी आप जो है, एक का नाम गणेश बिहारी होता है, गणेश बिहारी, ठीक है, और एक लोगों का नाम होता है श्याम बिहारी, श्याम बिहारी, और एक तीसरे भाई का नाम सुखदेव बिहारी होता है, ठीक है, सुखदेव बिहारी होता है। और आप ये देखिएगा, यहीं से आपके एक क्वेश्चंस और बनते हैं, जो मिश्र सहोदर आप लिख बिहारी बंधु भी लिख सकते हैं, बिहारी बंधु भी आप कह सकते हैं। तो बिहारी बंधु भी कहेंगे तो आप समझिएगा, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर मान लीजिए पूछा गया साहित्य या नवरत्न किसने लिखा, तो आपको बताना पड़ेगा, या आपको मिश्र बंधु विनोद नामक पुस्तक किसने लिखा, उसमें अगर ये आ जाता है बिहारी बंधु आ जाता है, यानी हिंदी नवरत्न की जो बात है उसी को कभी कभी कोई कोई साहित्य रत्न भी कह देता है, यानी हिंदी नवरत्न की जो बात होती है उसी को हम बता रहे हैं। यानी यहाँ पर कभी हो सकता है बिहारी बंधु भी दे दे, अभी मैं इसका डिटेल करूँगा आपको। यहाँ सबसे दिक्कत ये है कि आप लोग भी भिन्न भिन्न, मुंडे मुंडे मतरी भिन्ना, आपकी समस्या नहीं है, दिक्कत आपकी नहीं है, आपको जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो शिक्षक जो है थोड़ा सा अब मैं तो ये नहीं कहूँगा कि गुमराह कर देते हैं या जो कह देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि श्याम बिहारी सबसे बड़े थे, ठीक है, दूसरे नंबर के सुखदेव बिहारी हैं और तीसरे नंबर के गणेश बिहारी हैं, ऐसा मानते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा इनका कोई जन्म का प्रमाण नहीं मिलता है कि जो एथेंटिक प्रमाण हो, अप्रॉक्सीमेट अगर आप खोजेंगे, मैंने इसको, इस पुस्तक को पढ़ने का प्रयास किया, पूरा तो नहीं पढ़ा है, लेकिन कुछ अंश तक मैंने, कुछ भाग तक पढ़े हैं, जहां से लगता है कि ये क्वेश्चंस के लिए काम होते हैं या जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये बहुत सारे लोग श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी कहते हैं, लेकिन इस पक्ष में हमारा मत नहीं होता है, यानी मैं इसको खंडन कर देता हूँ, ठीक है, यानी मैं इसको मानता नहीं हूँ कि ये जो है इस प्रकार से कोई क्रम है। न मानने के पीछे क्या तर्क है, और मानने के पीछे तो हम नहीं बता सकते हैं कि कैसे ये लोग श्याम और शुक और गणेश को कहते हैं। बहुत सारे शिक्षक मैंने देखा है, और चूंकि हमारी कई ऐसे विद्वान शिक्षकों से भी बात होती रहती है, वो लोग बताते भी हैं कि नहीं ऐसा है, ये अपनी अपनी बात है।
कभी ऐसा पूछा नहीं गया है अभी तक, और संभावना है ऐसा पूछा भी नहीं गया क्योंकि एग्जैक्ट प्रमाण नहीं मिलता है। तो अपनी, मुझे लगता है अपनी प्रशंसा सिद्ध करने के लिए, अपनी प्रसिद्धि को पाने के लिए उन लोगों ने ऐसा किया होगा। फिलहाल हम प्रमाणों के आधार पर पढ़ने और पढ़ाने वाले कोट में आते हैं, यानी श्रेणी में आते हैं। तो सबसे बढ़िया ये है कि पहले इस मूल पुस्तक को देखा जाए, तब हमारी कोई बात हो तो ठीक है। अगर इस मूल पुस्तक में कुछ ऐसा नाम नहीं है तब तो कोई बात होनी चाहिए, अगर नाम है तो उस पर विवाद नहीं करना चाहिए, मेरा अपना मानना है। तो थोड़ा सा मैं इस मूल पुस्तक को आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हालांकि स्पष्ट नहीं तो दिखेगा आपको क्योंकि ये क्या है, फट जा रहा है। लेकिन एक काम करिएगा, गूगल पर जाइएगा और गूगल पर आप लिखिएगा मिश्र बंधु विनोद इमेज, ठीक है। तो आपको मिश्र बंधु विनोद की ये क्या आएगी, इमेज आएगी, यानी उनकी पुस्तक की इमेज आएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है इतना, मिश्र बंधु विनोद लिखा है, और यहाँ पर लेखक में लिखा है, पहला है गणेश बिहारी हैं, दूसरा मानी ये श्याम बिहारी हैं, तीसरा सुखदेव बिहारी, यानी पहला गणेश, दूसरा श्याम बिहारी और तीसरा सुखदेव बिहारी। यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आपको करना क्या है, आप गूगल बाबा पर जाइएगा और गूगल बाबा से यह सर्च करिएगा। कुछ अपने भी ऐसे काम आप कर लिया करिए, उसमें आप किसी भी भाग में देखेंगे, चाहे वो प्रथम भाग में देखिए, चाहे वो द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ भाग, किसी भी भाग में देखेंगे आपको ऐसे ही मिलेगा, गणेश बिहारी पहले मिलेंगे, गणेश बिहारी के बाद श्याम बिहारी मिलेंगे, और श्याम बिहारी के बाद आपको सुखदेव बिहारी मिलेंगे, ठीक है। ये तीन आपको ऐसे ही क्रमशः मिलेंगे, नंबरिंग नहीं पड़ी है लेकिन ऐसे ही मिलेंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि कमीशन ने कभी ऐसा पूछा नहीं, एक बार पूछा है तो, और जहां भी आप नाम पढ़ेंगे, जिस पुस्तक में आप नाम पढ़ेंगे इसी क्रम में आप नाम पढ़ेंगे। तो मेरा अपना सुझाव है कि आप अगर कभी बाई द वे ऐसा पूछा जाता है तो इन तीनों भाइयों का क्रम, तो आप ऐसे ही क्रम लगाएंगे, पहला गणेश बिहारी, दूसरा श्याम, तीसरा शुक, यानी गणेश श्याम शुक आप लगाएंगे, ठीक है। तो आप इसको कभी कभी अगर ना याद रहे तो ग, उसके बाद ग सा शु कर दीजिए, गशाशु कर दीजिएगा। गशाशु मतलब क्या है, गणेश श्याम सुख, श्याम मतलब हम श्याम पूरा ले लिए हैं, श्याम को मैंने आप गश्याशु कुछ भी कह दिए, तो आप गशाशु भी याद कर सकते हैं। गशाशु यानी गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, यानी अपने याद के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे अगर याद है आसानी से तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जितने ट्रिक या निमनिक्स या आप कहिए फार्मूला, जिस नाम से आप पुकारते हो, ये सभी मुझे जो पता रहेगा, यानी आपके लिए जो बनाऊँगा वह आपके लिए होगा। क्योंकि बहुत सारे लड़कों को होता है कि सर कुछ इसमें अगर कन्फ्यूजन है तो इसको अगर कुछ बना दीजिए, और बहुत सारे ऐसे हमारे विद्यार्थी थे कि जो स्वयं बना करके ऑफलाइन की कक्षाओं में दे देते थे, अगर वो याद है मुझे तो मैं आप लोगों को भी वो बताता चलूँगा। इसमें कोई मेरे अंदर और बाहर करनी और कथनी में कोई आप अंतर नहीं पाएंगे, यानी अगर मुझे जो पता है वह मैं आपको डिलीवर्ड करूँगा। ये नहीं है कि अपने मैं उस इस ट्रिक से मैं आपको बताऊं और अपनी विद्वता को मैं कहूं, क्योंकि मैं जान रहा हूं मैं क्या जानता हूं, और आप पढ़ रहे हैं तो आपको भी अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये तीनों क्या हैं, इन्हीं लोगों को क्या कहा जाता है, मिश्र बंधु कहा जाता है। और इनकी तीनों की कविताओं को पार्थक्य करना, यानी पृथक पृथक करना बहुत कठिन का कार्य हो जाता है, यानी हो नहीं पाता है। कौन किसकी रचना है ये
निष्कर्ष निकालना बड़ा दुरूह का कार्य है, यानी ये इतने आपस में ही घुले मिले हैं। ऊपर वाला काव्य, ऊपर वाली पंक्ति गणेश बिहारी ने लिखा, तो बीच वाला पता चला सुखदेव बिहारी लिख दिए, उसके बाद श्याम बिहारी लिख दिए, कौन सा लिख दिया ये पता नहीं चलता है। तो ये रहा आपका, मान लीजिए कि ये उनके रहे पुस्तक के बारे में मैंने जिक्र किया, थोड़ा सा इनका आपको इमेज भी देख लेना चाहिए, हालांकि मैंने कहा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा। यह आपके गणेश बिहारी हैं, ये आपके श्याम बिहारी हैं और ये आपके सुखदेव बिहारी हैं, ठीक है। ये क्रम से ये लोग हैं भी, ये नहीं है कि कोई ऐसा है, ये क्रम से बैठे भी हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि ये तीनों बंधु मिश्र बंधु आपस में बैठे हुए होते हैं। तो आइए चलते हैं, हम इससे आगे की चर्चा करते हैं और इस पर हम जहां पर हैं वहां पर आते हैं। तो मिश्र बंधुओं ने क्या किया, यह एक पुस्तक लिखे और उस पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध हुई। वह पुस्तक का नाम होता है हिंदी नवरत्न होता है। कौन सी पुस्तक, इनकी दो पुस्तकें बड़ी प्रसिद्ध हुई। पहला पुस्तक हिंदी नवरत्न इन्होंने लिखा, ठीक है, हिंदी नवरत्न लिखा। और दूसरा जो पुस्तक इन्होंने लिखा, मिश्र बंधु विनोद लिखे। हालांकि पुस्तक इन्होंने ज्यादा लिखे हैं, मिश्र बंधु विनोद यह लिखते हैं, मिश्र बंधु विनोद लिखते हैं। ये दो पुस्तक जो है इनकी बड़ी ही प्रसिद्ध होती हैं। हालांकि जितना मिश्र बंधु विनोद प्रसिद्ध हुआ है, उतना यह हिंदी नवरत्न प्रसिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको क्या करना है, बताना भी पड़ेगा। हिंदी नवरत्न का जो लेखन होता है वह 1910 ईस्वी में हो जाता है, यानी 1910 में इसका क्या होता है, लेखन होता है मिश्र बंधुओं के द्वारा। देखिए इसमें क्या होता है, हिंदी नवरत्न नाम ही क्या है, एक तो नाम है हिंदी, ठीक है, हिंदी, दूसरा क्या नाम है, नवरत्न। नवरत्न मतलब इसमें कितने लोग हैं, नौ क्या हैं, रत्न है, ठीक है, किसके, हिंदी के रत्न हैं, यानी हिंदी के महान कवि को शामिल इन्होंने किया है और इनके बारे में यह विस्तार से वर्णन किए हैं। यानी हिंदी के नौ रत्नों को, यानी नौ कवियों को इन्होंने हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक में यह शामिल करते, और इनको जो है ऐसा माना जाता है कि इनको तीन भागों में विभाजित कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि आप हिंदी नवरत्न को तीन भागों में क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं, ठीक है। पहला जो इसका विभाजन होता है, वो विभाजन है, यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर लिख दें। पहला जो विभाजन होता है इसे कहते हैं बृहत्त्रयी। आप इसको थोड़ा सा बृहत्त्रयी, ठीक है, बृहत्त्रयी के रूप में पहला विभाजन होता है। और दूसरा जो इसका विभाजन होता है वह किस रूप में होता है, दूसरा विभाजन जो हुआ वह मध्य त्रयी के रूप में हुआ। इसमें मध्य त्रयी के रूप में इसका क्या हो गया, विभाजन हो गया, यानी मध्य त्रयी। और तीसरा जो विभाजन होता है वह विभाजन किस में होता है, लघु त्रयी में होता है। इसमें लघु त्रयी में होता है, ठीक है। यानी इन तीन को, नौ रत्नों को, यानी नौ इन कवियों को तीन भागों में क्या हुआ, विभाजन कर दिया गया, ठीक है। तो जो ये बृहत्त्रयी हैं इसमें किसको किसको लिया गया, ठीक है, बृहत्त्रयी में किसको किसको लिया गया, तो आपको जानना चाहिए। कोई कभी हो सकता है कि ऐसा पूछा जा सकता है, लेकिन नहीं भी पूछा जा सकता है तो इतना तो पता होना चाहिए कि 1910 में लिखा गया है और इसमें नौ कवियों को याद हो जाएगा कि हिंदी नवरत्न किसकी पुस्तक है, तो आप बता देंगे मिश्र बंधु की यह पुस्तक होती है। बृहत्त्रयी में जो शामिल किए हैं वो देखिए, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ
तो मुझे थोड़ा सा लिखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहां पर देखते हैं, बृहत्त्रयी में जो शामिल किया गया है उनको शामिल किया गया है, बाबा तुलसी को शामिल किया गया है, यानी तुलसीदास को इसमें शामिल किया गया है। किसको? तुलसीदास को शामिल किया गया है इनको। इसके बाद यहां पर सूरदास जी को, सूरदास जो माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सूरदास को क्या कहा है, उपमा यानी वात्सल्य का, उपमा का नहीं सॉरी, उपमा कालिदास, उपमा के सम्राट कालिदास होते हैं, लेकिन सूरदास किसके सम्राट होते हैं, यह वात्सल्य के सम्राट माने जाते हैं। ठीक है, यानी बाबा तुलसी और ये बाबा सूर जो है, इसके अतिरिक्त महाकवि देव को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी बृहत्त्रयी में किनको शामिल किया गया है, तुलसी बाबा को, सूर को और देव को शामिल किया गया है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम आते हैं, दूसरा नंबर पर आते हैं, और दूसरे नंबर में जो मध्यत्रयी है, इस मध्यत्रयी में किसको शामिल किया गया है, तो मध्यत्रयी में बिहारी को शामिल किया गया। किसके? बिहारी को। और बिहारी को आप बड़े ही फेमस तरीके से जानते हैं, बिहारी लाल को, यह किसके? रीति काल के होते हैं। इनके बारे में आपको पता ही इतना तो सुने होंगे, बिहारी माधुर्य गुण के यह बड़े ही पूजक होते हैं। मैं जब रीति काल पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध में, और इसको विभाजित करके बिहारी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर बिहारी है, बिहारी सतसैया के दोहरे, जो नाभिक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ऐसा आप लोग कविता इनका दोहा सुने होंगे। तो इसके बारे में एक एक करके सारी चीजें हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ मध्यत्रयी में कौन? बिहारी आते हैं, और इसके बाद कौन? केशव दास आते हैं, यानी केशव को मध्यत्रयी में भी रखा गया है, इनके बारे में भी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। इसके बाद इसी में कौन से आते हैं? त्रिपाठी बंधु आते हैं। त्रिपाठी बंधु का मतलब ये होता है, मतिराम को आप लोग जानते होंगे, तो मतिराम को, यानी यहाँ पर मतिराम शामिल है, मतिराम त्रिपाठी कहा जाता है, और भूषण त्रिपाठी, मतिराम त्रिपाठी और भूषण त्रिपाठी, ये दोनों क्या होते हैं? भूषण त्रिपाठी, इनको शामिल करते हैं। यानी यहाँ पर भी तीन को शामिल किया जाता है, किसमें? मध्यत्रयी में शामिल किया जाता है। ठीक है, यानी मध्यत्रयी के अंदर बिहारी, केशव और त्रिपाठी बंधु, यानी त्रिपाठी बंधु मधिराम त्रिपाठी और भूषण त्रिपाठी को शामिल करते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त जब हम चलते हैं तो किस में चलते हैं? लघुत्रयी में आते हैं, तो इनको थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं, तो लघुत्रयी हमारा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब हम लघुत्रयी पर जब आते हैं तो लघुत्रयी में ये देखते हैं कौन से शामिल होते हैं, तो लघुत्रयी आ जाते हैं। ठीक है, लघुत्रयी में हम किसको देखते हैं? लघुत्रयी में शामिल जो होते हैं, कबीरदास जी बसते हैं, ये बड़े ही प्रसिद्ध आपको जानते हैं, कबीर ये निर्गुण संत परंपरा के ये पूजक हैं, और इनके बारे में जब मैं भक्ति काल पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर ज़्यादा डिटेल होगी, क्योंकि यह ऐसा फकीर कि फिर पूछिए मत, ऐसा जिसको चाहा उसको लिखा, किसी को छोड़ा नहीं, ऐसा निर्गुण संत होते हैं। यानी कबीर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है आपको इसमें शामिल होते हैं, यानी लघुत्रयी में चंद्रबरदाई शामिल होते हैं। कौन? चंद्रबरदाई शामिल होते हैं, और चंद्रबरदाई के बारे में भी आप जानते हैं कि चंद्रबरदाई कहाँ आते हैं, जब मैं आपको राशो पढ़ाऊँगा, यानी चारण साहित्य या राशो साहित्य पढ़ाऊँगा, तो वहाँ चंद्रबरदाई की भी बात आएगी, और इनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, और एक जो शामिल होते हैं, हरिश्चंद्र शामिल होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर कितने? 9 लोगों को, 1, 2, 3, यहाँ पर भी 3 लोगों को शामिल किया गया। टोटल ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल कितने लोग हो जाते हैं? ओवरऑल
3, 3, 6 और 3, 9 हो जाते हैं। इन्हीं 9 कवियों को मिलाकर के हिंदी नवरत्न किसने लिखा है? किसने? मिश्रबंधु ने क्या लिखा है? हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? हिंदी नवरत्न नामक ये पुस्तक लिखते हैं। तो यहां से अगर बहुत होगा तो इससे कभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर? चलिए, इसके बाद से जिससे मिश्र बंधुओं की बहुत ही प्रसिद्धि मिलती है, उस प्रसिद्धि पर हम बात करते हैं। वह है मिश्र बंधु विनोद। कौन सी पुस्तक है? मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद की दशा ये है कि इसका प्रकाशन कब होता है? 1913 में होता है। कब होता है? पहला प्रकाशन 1913 में होता है और दूसरा प्रकाशन जो होता है वह 1934 में होता है। ठीक है, आप देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें मिश्र बंधु विनोद को देखेंगे तो इनका एक नाम होता है हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन। अगर कभी ऐसा पूछा जाए कि मिश्र बंधु विनोद का अन्य नाम क्या है, ये पुस्तक का नाम है, मिश्र बंधु का नाम नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? हिंदी, क्या बोलेंगे? हिंदी साहित्य। आप ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे लगा हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास तथा क्या है? कवि कीर्तन। कीर्तन ये देखिए, ये किसका है, किसकी रचना है? मिश्र बंधु विनोद की रचना है। सॉरी, मिश्र बंधु की रचना है, मिश्र बंधु विनोद की नहीं। मिश्र बंधु विनोद तो स्वयं में ये ग्रंथ है और महाग्रंथ है माना जाता है। तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन, ये मिश्र बंधु विनोद का ही नाम है। अगर बाई दिवे खुदा न खास्ता मिश्र बंधु विनोद नहीं दिया और पूछा हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन के लेखक कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा मिश्र बंधु ही इसके लेखक हैं। या पूछा गया हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन कब प्रकाशित हुआ, 1913 में पहला प्रकाशन हुआ। दूसरी बात, प्रकाशन कब हुआ, 1934 में प्रकाशित हुआ। या ये पूछा गया हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन पहली बार में कितने भागों में प्रकाशित हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा कि 3 भागों में यह प्रकाशित होता है। यानी जो मिश्र बंधु विनोद है वह 1913 में, कब? 1913 में। तो 1913 में यह क्या होता है, कितने भागों में यह विभाजित होता है? 1, 2 और 3, 3 भागों में क्या होता है, यह विभाजित हो जाता है। ठीक है, यानी 1913 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1913 में मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है। अब इसी क्वेश्चन को पूछा, या तो रिपीट किया जा सकता है या पूछा जा सकता है हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन 1913 में कितने भागों में विभाजित किया गया, तो आपको बताना है कितने? 3 भागों में। ठीक, इसके बाद कब प्रकाशन होता है, 1934 में प्रकाशन होता है और 1934 में एक भाग में केवल प्रकाशन होता है। टोटल पूछा जाए मिश्र बंधु विनोद या हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन कितने भागों में विभाजित है, तो आपको बताना है 4 भागों में ये विभाजित हुआ है। और कितने प्रकाशन हुए हैं, 2 बार इसका प्रकाशन हुआ, 1913 और 1934। यहाँ मिश्र बंधु विनोद की तुति क्यों बोलने लगी? मिश्र बंधु विनोद ने अपनी इस पुस्तक में, मिश्र बंधु विनोद नहीं, मतलब मैं मिश्र बंधु विनोद नामक पुस्तक में मिश्र बंधुओं ने, अगर मेरे मुख से ऐसा निकलता है मिश्र बंधु विनोद, तो थोड़ा सा इसको जानी, चूंकि मैं, मेरा सेंस वही है, गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कि मिश्र बंधु विनोद शुरू से चल रहा है, तो आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए, तो इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं और पुनः आते हैं, देखते हैं मिश्र बंधु विनोद में टोटल जो है ये 5,000 कवियों को लिया गया है। ठीक है, ऐसा माना जाता है
इसमें 5000 कवियों को लिया गया, लेकिन मूलतः इसमें जो कवि हैं वह 4591 है। कितने कवि हैं? 4591 कवि होते हैं जिनको 5000 मान लिया जाता है और ये महाकाव्य की श्रेणी में शामिल किया जाता है। 4591 कवियों, 4591 कवियों का मिश्र बंधुओं ने बृहद तरीके से इनका जीवन चरित्र दिया है, काव्य दिया है, उदाहरण दिया है। आप ये सोचिए कि उस तुलनात्मक अध्ययन करिए तो आपको ये लगता है कि कहीं न कहीं प्रशंसा जो है कभी किसी किसी की चाटुकारिता ही उसको आगे ले जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है, और कभी क्या मुझे लगता है कि ये हर समय ऐसा हुआ है। इसने जो किया है, आप देखिए 1913 की बात है। कब की बात है? 1913 की बात है कि मिश्र बंधु विनोद ने क्या लिखा, यह सॉरी मिश्र बंधु ने क्या लिखा, मिश्र बंधु विनोद नामक क्या लिखते हैं, पुस्तक लिखते हैं। ठीक है, आपको मैं हिंदी साहित्य में पढ़ा रहा हूँ कि इसकी महत्ता कितनी है, कि आप इसको पढ़ करके अगर ये शायद इतना संकलन न किए होते तो आज का ये जो इतिहास है वह आज का जो हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं संभवतः ऐसा न होता। क्योंकि इन्होंने जो मेहनत किया, इन्होंने परिचयात्मक विवरण किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, उन्होंने स्पष्ट कहा, मैंने जितने भी कवि का वर्णन किया अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो उन्होंने 1929 में लिखते हैं, उन्होंने वह कहे हैं कि मैं जितने भी कवियों का वर्णन किया हूँ उसका परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है। वह स्पष्ट इसको स्वीकार करते हैं, और कहीं से नहीं, मैं उन्हीं से वही सी पुस्तक उसी ग्रंथ से लिया हूँ। ये कितनी बड़ी बात है। नामोर सिंह ने, प्रख्यात आलोचक नामोर सिंह ने कहा कि यह मिश्र बंधु विनोद क्या है, हिंदी साहित्य का पंचांग है। कितनी बड़ी बात है, उन्होंने कहा यह हिंदी साहित्य का क्या है, पंचांग है। पंचांग मतलब समझते हैं कि इसमें पंचांग में जैसे आपको तिथि और क्रमवार पूरा का पूरा सब कुछ सटीक रहता है। पंचांग मतलब क्या होता है, पत्रा। आप जानते हैं ना कि पंडित जी लोग किससे देखते हैं, पत्रा से देखते हैं, तिथि निकालते हैं, उसे तिथियां निकाली जाती है। ऐसे ही नामवर सिंह ने कहा ये हिंदी साहित्य का, जिस प्रकार से ये आपको त्योहार का अन्य का तिथियां निकालते हैं, उसी प्रकार से हिंदी साहित्य का ये पंचांग है। यहीं से हम सभी कवियों की तिथि निकालते हैं, यहीं से सब कवियों के बारे में हम जानते हैं। इससे अगर हम नक्षत्र जानते हैं, ग्रह जानते हैं, तो यह हिंदी में, इससे हम हिंदी कवियों के बारे में जानते हैं। बहुत बड़ी उन्होंने बात किया है कि नामवर सिंह ने कहा यह हिंदी साहित्य का पंचांग है, इनके मिश्र बंधु विनोद को इन्होंने कहा है। आप देखिए कि 1913 में ये तीन भागों में विभाजित होता है, और संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि जो अगर पहली बार हिंदी साहित्य पढ़ रहा होगा उसको ये भी नहीं पता होगा कि मिश्र बंधु विनोद की पुस्तक कौन है, या जो पढ़े भी होंगे वह लोग दूसरा नाम, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन, ये नहीं जानते होंगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है इसलिए मैं नहीं बहुत ज़्यादा आपसे पूछ सकता हूँ, लेकिन आप स्वयं से देखिएगा। और क्यों, और आपने पूरा ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन में आपने इनको पढ़ा होगा, हो सकता है बताया गया होगा, और इनके बारे में कुछ जानते होंगे। लेकिन आप ये विडंबना देखिए कि जो आधार दे रहा है, जो हमको शिक्षक बना रहा है, और 1913 में इतना बड़ा ग्रंथ लिखते हैं कोई जानता नहीं है। और 1913 में क्या होता है, एक घटना, और घटना का कहिए, भारत के लिए अच्छी चीज़ है, एक पुस्तक लिखी जाती है, गीतांजलि लिखी जाती है। जब तुलना आप करिए और पढ़ने लगिए, गीतांजलि जो है यह बांग्ला भाषा में गीतांजलि कहा जाता है। क्या? गीतांजलि कहा जाता है। किसने लिखा इसके बारे में आपको बताना नहीं है, यानी इनको क्या मिल गया है,
हिंदी साहित्य का नोबेल मिल जाते हैं। भाई मैंने तो इसको थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रयास किया है कि हिंदी वर्जन में कि गीतांजलि में कुछ नहीं है, यह केवल ये भी काव्य संकलन किए हैं, गीतांजलि वो भी केवल काव्य संकलन है और कुछ नहीं है, इनके अगर तुलना करेंगे तो कोई इनका अस्तित्व ही नहीं बचता है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या, वो अंग्रेजों को प्रशंसा, अंग्रेजों की प्रशंसा करने से जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, यानी पंजाब सिंध गुजरात मराठा, मैं आपकी अधिनायक, आपको अधिनायक मानता हूँ, आपको जन गण मन अधिनायक जय हे, जब जन मन गण सभी लोग आपको मैं मानते हैं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रामीण उत्कल बंग सभी लोग आपको नमन करते हैं। आप पूरा का पूरा कैसा, हम गुलाम थे, बात सही था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम सब कुछ आपने काव्य के द्वारा सब कुछ क्या कर दिया। वो अलग बात है कि आज हमारा राष्ट्रगान है, लेकिन ये राष्ट्रगान अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में हो गया है, इसलिए अच्छा था, लेकिन यह अंग्रेजों के प्रशंसा में लिखा गया यह गीत है और कुछ नहीं है। इसको अब ठीक है, इस पर कहना अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन फिलहाल इस पर विचार होना चाहिए। आप इनको जो है मिश्र बंधु को नहीं दिया जा रहा है, मिश्र बंधु विनोद पर पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य की रीढ़ रखी है। अगर देखेंगे 4591 कवियों का परिचयात्मक विवरण, आप क्या समझते हैं कि सामान्य बात है, ऐसी ही बात है कि हम 4591 लोगों का आज के डेट में अगर आपको लिखना पड़े तो आपकी पूरी 4591 कवि अगर याद कर लें और उनकी एक दो दो रचनाएं आप याद कर लें तो आप टीजी टीटाप कर जाएंगे, स्थितियां ये होती हैं। और जो है, और इनका इन्होंने वर्णन किया है, विस्तृत वर्णन किया है, बहुत बड़ी बात होती है, और उस पर उन्होंने कोई पुरस्कार नहीं मिला। ये हमेशा यह कहीं ना कहीं इनके साथ इस रूप में, तो मैं तो अपना, मेरी विचारधारा है, इसमें किसी का ऐसी विचारधारा नहीं है कि आप मेरी विचारधारा मानिए, आप स्वतंत्र हैं, आपकी विचारधारा हो सकती है अच्छी चीज़ है, उन्होंने भी कुछ बहुत सारा देश के लिए किया है, लेकिन इनका भी योगदान कम नहीं होता है। ठीक है, साहित्यिक रूप में आते हैं, जब राजनैतिक रूप में आएंगे तो इनका भी योगदान है, इनका भी योगदान कम नहीं होता है। फिलहाल 1913 में ये तीन भाग, 1934 में एक भागों में इसका क्या होता है, प्रकाशन हो जाता है। और इन्हीं ने, यानी मैंने बताया कि इन्हीं से रामचंद्र शुक्ल ने परिचयात्मक विवरण भी ये लेते हैं, यानी ये, और ये काम ये करते क्या हैं, इनका एक और महत्वपूर्ण काम है, ये जो अभी तक विभाजन की जो परंपरा, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो प्रारंभ किया था 11 भागों में विभाजित किया, इन्होंने क्या किया, उसको 5 भागों में विभाजित कर दिया, यानी पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित कर दिया, 5 भागों में इन्होंने विभाजित कर दिया है। ठीक है, अब ये 5 भाग कौन कौन से हैं, मैं लाइव क्लास जब लूंगा तो इसके बारे में पुनः मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि आपको होगा क्या, आपको थोड़ी सी गलतफहमी है, मैंने बताया यहाँ थोड़ा सा दिक्कत ये है कि जब आप पढ़ लेते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्वान पढ़ाते हैं, और उसमें जो प्रश्न को देखकर पढ़ाते हैं वो थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर देते हैं। मिश्र बंधु जो है, मिश्र बंधु का पहला जो विभाजन होता है, हिंदी साहित्य का विभाजन होता है, वह किसके रूप में होता है, आरंभिक काल के रूप में होता है। ठीक है, पहले ही, अभी मैं यह लाइव क्लास लेता तो बहुत सारे हमारे बच्चे कहते सर आरंभिक नहीं है, प्रारंभिक है, आरंभिक काल के रूप में इन्होंने विभाजन किया, लेकिन ये चूंकि रिकॉर्डेड जा रहा है इसलिए आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आप आरंभिक नहीं प्रारंभिक मानेंगे, थोड़ा सा इसको हम और सही से लिख देते हैं। ठीक है, यानी आरंभिक काल के रूप में मानते हैं। ठीक है, आपको दिक्कत कहाँ से हुई है, हुआ क्या है, एक बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, मिश्र बंधुओं के प्रारंभिक काल कब से कब तक माने जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है, तो अब चूंकि क्वेश्चन ही बना दिया है मिश्र बंधुओं के प्रारंभिक काल, देखिए क्वेश्चन बनाने का मतलब ये नहीं है कि वही सत्य है, यहाँ कितने विद्वान पढ़े हुए हैं, आप लोग खुद TGT और PGT दे रहे हैं,
अन्य परीक्षाएं दे रहे हैं तो आपको खूब पता है कि कितने विद्वान पढ़े हुए हैं, वो क्या लिख देते हैं। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, आप ये जानिए इन्होंने आरंभिक काल में विभाजन किया, प्रारंभिक काल में विभाजन नहीं किया है। गणपत चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है, इसके बारे में भी हम चर्चा आपसे करते हैं करेंगे। मैं यहाँ आरंभिक काल का, आरंभिक काल दूसरा जो है माध्यमिक काल, कौन सा है दूसरा माध्यमिक काल के रूप में विभाजन किया, माध्यमिक काल, ठीक है, माध्यमिक काल के रूप में विभाजन किया। तीसरा जो विभाजन इन्होंने किया है वह किसमें, अलंकृत काल में विभाजन किया, किसमें, अलंकृत काल में इन्होंने क्या किया, विभाजन किया है, ठीक है, तीसरा अलंकृत काल। चौथा जो है परिवर्तन काल के रूप में इन्होंने विभाजन किया, इसमें परिवर्तन काल के रूप में विभाजन किया। और पांचवा जो है इन्होंने वर्तमान काल के रूप में विभाजन किया है, ठीक है, वर्तमान काल के रूप में विभाजन किया है, यानी इन्होंने पांच भागों में विभाजन किया। हालांकि इस विभाजन को हम कब बताएंगे आपको, जब मैं प्रारंभ करूँगा, आपको नामकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करूंगा तो वहां मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि मिश्र बंधु के बारे में बता रहा हूँ इसलिए यहाँ ये बताना जरूरी था। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो आरंभिक काल है, आरंभिक काल को इन्होंने क्या किया, दो भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है, एक को कहते हैं पूर्व आरंभिक काल और एक को कहते हैं उत्तर आरंभिक काल, यानी पूर्वारंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल, ठीक, दो भागों में। इसी प्रकार माध्यमिक काल को भी दो भागों में विभाजित कर दिया, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल के रूप में क्या किया है, विभाजन किया है, ठीक है। तीसरा जो है अलंकृत काल है, और अलंकृत काल को भी दो भागों में विभाजन किया, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल, यानी पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल के रूप में क्या किया, विभाजन किया है। परिवर्तन काल और वर्तमान काल में कोई विभाजन नहीं है, यानी ऐसे ये हैं। तो इनके मुख्यतः कितने हैं, ये पांच भागों में क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं, और पांच भागों में विभाजित करके पूरे हिंदी साहित्य को यह अध्ययन करते हैं और इसके बारे में विवरण देते हैं, ठीक है। यानी ये जो रहा, ये एक प्रकार से मिश्र बंधुओं के बारे में आपको बातें नहीं, जो जानना आवश्यक है, और यहाँ से क्वेश्चन में आपके क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, तो ठीक है। तो आपको आशा करता हूँ कि ये बातें समझ में आई होंगी, और आगे भी अन्य चीज़ें मैं पिछले वीडियो में कहा कि आपको नोट्स बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आप केवल रफिंग करिएगा, रफ करते हुए एकदम तेज़ी से रफ करते हुए चलिएगा, नोट्स आपको बाकायदे एकदम पॉइंट टू पॉइंट शब्दशः जाएगा, इससे अधिक जाएगा, कम नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक रफ केवल बनाइएगा, बाकी हम आप पढ़ाते चले जाएंगे और आपको नोट्स देते हुए चलेंगे, और टेस्ट की प्रक्रिया भी हम लेते हुए चलेंगे। चैप्टर समाप्त होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट की प्रक्रिया को अपनाएंगे, ठीक है। तो यानी आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, यानी यहाँ से अब हम नेक्स्ट अगले पार्ट में हम अगले विद्वान पर बात करेंगे, ताकि आपको एक एक बातें, बेसिक बातें आपको समझ में आ जाए, तो हम मुझे प्रारंभ करने में, आदिकाल को प्रारंभ करने में क्या होगा, आसानी हो जाएगी। आदिकाल के पहले की मैं सारी ये भूमिका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को और ढेर सारा प्यार, तब तक के लिए जय हिंदी, जय हिंद।